हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में। फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फंडर प्लेसेंटा क्या होता है, मेरा एंटीरियर फंडर प्लेसेंटा है तो मेरा पोस्टीरियर फंडर प्लेसेंटा है तो इसका क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ किसी का ये भी सवाल था कि क्या फंडर प्लेसेंटा एक प्लेसेंटा का गुड पोजिशन होता है और क्या फंडर प्लेसेंटा के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या। तो इस तरह के फंडर प्लेसेंटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक फंडर प्लेसेंटा का वीडियो बनाऊं और इन सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में दे दूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी फंडर प्लेसेंटा के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में बता दे रही हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है। वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि प्लेसेंटा क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रही हूँ जिससे कि सब कुछ क्लियर समझ में आए। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो एक साइड से यूटरस के वॉल से अटैच होता है और दूसरे साइड से बेबी के गर्भनाल से अटैच होता है। प्लेसेंटा को हिंदी में आवल या अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा का जो काम होता है वो बेबी के हेल्थ को सपोर्ट करता है। प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बेबी को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन सप्लाई होता है। मतलब कि बेबी के ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा ही बेबी को सप्लाई होती हैं। इसके अलावा बेबी का जो भी वेस्टेज होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी में आ जाता है और मदर की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी के डिलीवरी के 15 से 20 मिनट के बाद प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये होता है प्लेसेंटा। अब आपको ये जानना है कि एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं और नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ फंडल प्लेसेंटा के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, फंडल प्लेसेंटा क्या होता है। जब प्लेसेंटा यूटेरस के ऊपर के वॉल से यानी कि एकदम टॉप पे अटैच होता है तो उसको कहते हैं फंडल प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा यूटेरस के आगे की साइड यानी कि हमारे पेट की साइड अटैच होता है लेकिन ऊपर अटैच होता है तो उसको कहते हैं एंटीरियर फंडल प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा यूटेरस के पीछे की साइड यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी के साइड अटैच होता है और थोड़ा ऊपर अटैच होता है तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर फंडल प्लेसेंटा। तो ये होता है एंटीरियर प्लेसेंटा, एंटीरियर फंडल प्लेसेंटा और पोस्टीरियर फंडल प्लेसेंटा। तो ये हमने जान लिया। अब सवाल ये आता है कि क्या फंडल प्लेसेंटा एक गुड प्लेसेंटा पोजीशन होता है। तो जी बिल्कुल, फंडल प्लेसेंटा बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्लेसेंटा का पोजीशन होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देना चाहूँगी कि प्लेसेंटा का पोजीशन चाहे जो भी हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, फंडल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लेसेंटा का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये बेबी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्लेसेंटा बस अगर एक साइड पे हो, अगर वो बच्चेदानी के यानी कि यूटरस के ओपनिंग पे हो जिसको हम लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं, अगर लो लाइन प्लेसेंटा होती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में थोड़ी सी रिस्क होती है। मैं लो लाइन प्लेसेंटा के लिए एक वीडियो बनाऊँगी जो आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में मैं नहीं कवर कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब आपको फंडल प्लेसेंटा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और फंडल प्लेसेंटा में किसी ने पूछा था कि क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या, तो जी बिल्कुल, फंडल प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा ऊपर के साइड अटैच हुआ है यानी कि यूटरस के ओपनिंग पे नहीं है, तो ये बहुत ही गुड लोकेशन होता है प्लेसेंटा का। तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है, बहुत ही आसानी से हो सकती है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको फंडल प्लेसेंटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा
और फिर भी अगर आपको फंडर प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।